अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज असा फिर तुम अपने इलाके गांव की सैर करवा रहे हैं। मैं घूमने वास्ते आया पिंड नाल ही राजवा है भी आ बेहतरीन खेत इन पे ते ये साढ़े पिंड का सर्विस स्टेशन है जिसे ट्रैक्टर की दुलाई होती पी है बेहतरीन और पिंड भी आ सारा ते खेत वगैरह ते नाल बेहतरीन खेत जो थोड़े सामने तुम वेख रहे हो। अज साढ़े को एक बंदा आया जरा तुम विखा रहे हैं, ये मेरा भांजा है भी आ बड़े दूरों आया मैं मिलने वास्ते। मैं चलो एक विलाग अपने भांजे के नाल ही बना लेना ते मैं भांजे नाल ही थोड़ी मुलाकात करवाईना। भांजे थोड़े ना बोल के तुम दस दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अज असा विलाग बना रहे हैं अपने पिंड घूम फिर रहे हैं। थोड़ा मौसम ठंडा मीठा होया पिया तो मैं आगे चलो थोड़ा बहुत घूम फिर लीए अपने इलाके से दिखा ली। ये जानवर जड़े नज़र आ रहे हैं कुर्बानी से बैठे हैं, ये कुर्बानी कल इंशाल्लाह परसों कुर्बानी है, कुर्बानी का जानवर इतने कुर्बानी होनी है, चार पांच जानवर इकट्ठे हैं। ये मेरे नाल मेरा भांजा आया कहते कि मामू मैं थोड़े को पिंड आया मिलने वास्ते तो तुम मिल के बड़ी खुशी हुई तो मैं ही विलाग बनवाने थोड़े नाल। मैं कि कोई मसला नहीं, आप एक विलाग बना लेने मेरे वीवर वेख के खुश होते हैं तो हूँ मैं थोड़ी गल करवाना भांजे नाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मैं मामू से मिलने आया हूँ, मामू जान के अच्छा जी मेरा भांजा पहली दफा विलाग बना रहे हैं और थोड़ा जहा झिझक गया तो माइंड नहीं करना विलाग क्योंकि पहली दफा हर बंदा नहीं बना सकता, वो भी नहीं बना सकिया। ये मेरे पिंड का माहौल है भी है, मुख्तलिफ गारे ने सामने मस्जिद है, मस्जिद भी बहुत प्यारी बन रही है ते ये साइडा तो घर वगैरह इन पर माहौल पिंड का बड़ा प्यारा है भैया ते बेहतरीन माहौल है तुम्हें दिखाते जावा। नाल ही छोटा जहा नहर यानी कि असं तो इन राजबा कहने नहर गुजर रही है जिस जानवर वगैरह नहाते भी हैं पानी भी पीते हैं। ये बड़ा ही प्यारा माहौल है पिंड की, तो वैसे सर सब्ज शादाब एरिया है भी नाल ठंडी ठंडी हवा है तो पिंड का माहौल तो बड़ा फ्रैश होंगे। इस वजह तो मैं लाहौरों आया तो पिंड घूम के मैंने भी बड़ा मज़ा आता तो पांजा मैंने मिलना आया। मैं ये चलो विलाग बना रही है, मैं विलाग बना रहे हैं फिर पिंड गुजर रहे हैं अपने पिंड के मुख्तलिफ व्यूज हैं जो तुम दे रहे हैं तो वेख के बड़े खुश हो तू। ये पिंड के व्यूज हैं लोग बड़े इंजॉय कर रहे हैं, छां थले बैठे ने ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, नाल जानवर खड़े ने नाल नहर गुजर रही है पानी पीवन वास्ते जानवरों के नहाने वास्ते नहर का नज़ारा भी है तो बड़ा ही प्यारा माहौल है, साफ सुथरा माहौल है, ठंडी ठंडी हवा का नज़ारा है भैया। तो पिंड का माहौल तो लोग बड़े तरसते हैं पिंड जाने पिंड घूमन फिरन, तो तुम भी पिंड के माहौल में इंजॉय किया करो। ये पिंड घर बड़े खूबसूरत होंगे, खुले खुले घर होंगे तो नाल ही जानवर तो जानवरों तो इलावा नाल ही खेत होंगे ने, खेतों के गां वगैरह पट्ठे वगैरह होंगे जड़े जानवरों वास्ते कटाई करके जानवरों पाते हैं तो जानवर पलते हैं, जानवर दुध लस्सी देंगे, जानवरों के नहाने वास्ते नहर नाला जो जानवर पानी भी पीते हैं नहाते भी ने। तो उम्मीद करना मेरे पिंड का माहौल तुम्हें अच्छा लगेगा तो पिंड का माहौल वेख के तुम खुश हो गए। तुम अगर मेरे पिंड का विजिट करना चाहते हो तो तुम आके मेरे पिंड में देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत पिंड है, बड़ा ही पुरसकून एरिया, बड़ा ही अच्छा माहौल है। लेकिन एक गल है, अजकल बिजली बड़ी दलील कर रही है जी वजह से असं बाहर घूमने फिरने वास्ते ताज़ा हवा लेने वास्ते आ गए। पिंड का माहौल इंजॉय करने के लिए ये ईद के दिन है और हम घूमने के लिए आए हैं, ये हम मेन रोड पे जा रहे हैं पिंड में जो मेन रोड इस पर गाड़ियाँ आती जाती हैं, छोटा मोटा यानी कि ट्रैफिक का ये सोर्स है जो मुख्तलिफ एरियाज को मिलाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने मुख्तलिफ गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ये दूध का मोटरसाइकिल दूध वाला आ रहा है, ये बेहतरीन शहरी माहौल है। लेकिन ये है पिंड का माहौल जिसको मैं शहरी माहौल कह रहा हूँ,
ये डाला जा रहा है और ये आपके सामने सारा माहौल दिखाने लगा हूँ। घर हैं साथ साइडों पे और खेत वगैरह हैं, खेतों की खेलियाँ, माहौल बहुत ही प्यारा है, रोड की रौनकें हैं। तो ये पेंड का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये देखें आप, खेत हैं जो मुख्तलिफ खेतियाँ उग रही हैं और ये अभी मेरे ख्याल में धान की फसल लगी हुई है। तो धान की फसल बहुत ही एक एक्सपोर्टेड पैदावार है जिससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जाता है। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा यानी कि मांग है। तो ये आज मेरा भांजा आया हुआ है मेरे साथ, व्लॉग में शरीक है, जो आपके साथ साथ आपको इंशाल्लाह व्लॉग में सलाम पेश करेगा और आपको बहुत ज़्यादा जुरत के साथ, आपको बहुत ज़्यादा यानी कि अकीदत के साथ सलाम पेश करेगा।